आपको खुद को फिजिकल रिवॉर्ड या फिजिकल रिप्रीमांड देना है। मतलब क्या, अगर मान लो मैंने ये तय किया कि 8 दिन में 4 घंटा भगवत गीता पढ़ूंगा, ये मेरा टारगेट है, तो या तो मैं 4 घंटा पढ़ूंगा या उससे कम पढ़ूंगा या उससे ज्यादा पढ़ूंगा, तीन ही ऑप्शन है, हाँ या ना, है ना। कोई एक बार किसी ने ऐसे ही मुझे बता दिया था, सर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ा मतलब 4 घंटे से कम पढ़ा ना, है ना, तो तीन ही ऑप्शन है। तो अगर मैं मेरे टारगेट को मिस कर जाता हूं तो मैं अप्रोप्रिएट खुद को फिजिकल पनिशमेंट दूंगा या फिजिकल रिप्रीमांड दूंगा, फिजिकल। और अगर मैं इसको अचीव कर पाता हूं तो मैं खुद को फिजिकल एप्रिसिएशन दूंगा, ये वाला, ये फिजिकल एप्रिसिएशन है। या मैंने मान लो मेरी फेवरेट चीज है बिना शक्कर वाली चाय, तो 1 कप ज्यादा पी ली, फिजिकल एप्रिसिएशन है ना। या फिर हो सकता है कि यानी ऐसी चीज जो आप फील कर पाओ, आप करो एक्शन में। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मेरे को सुबह 5 बजे उठना था, मैं उठ नहीं पाया और मुझे बहुत बुरा लगा, तो और 2 घंटा मैंने सोच सोच में बहुत टाइम पास कर लिया। दिस इज नॉट द वे। 5 बजे उठना था, 5:15 बजे उठे तो माइल्ड पनिशमेंट दे दो खुद को, है ना, खुद को 1 किलोमीटर भर दौड़ाओ और बोलो 5:30 के बाद अगर उठेगा तो 2 किलोमीटर भागेगा, आप देखो। तो क्या होता है दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मन पे नियंत्रण कर पाते हैं, मन पे। तो मन पे नियंत्रण नहीं होता तो बाजू में रखो उसको, तन पे तो कर सकते हो ना, काम तो तन ने करना है, तो तन को रिवॉर्ड दो, फेवरेट चाय पिला दो, है ना, किसी को रसगुल्ला, अभी मेरी बेटी को क्या खाना था, लड्डू खाना था, तो उसको रिवॉर्ड में हमने लड्डू बना के रखे हैं, दिए नहीं अभी तक। है ना, तो फिजिकल रिवॉर्ड दो। और लड्डू का ना मिलना एक फिजिकल पनिशमेंट भी तो है, लड्डू दिख रहा है सामने और मिल नहीं रहा, है ना। तो मन में क्या होता है, देखो मन में तकलीफ है, मन में तकलीफ है, क्या होता है, नहीं यार आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, मतलब क्या, मतलब क्या है आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ का, बताओ। क्या आप खुद के कान के नीचे 5 मारोगे, नहीं बोले वो तो इच्छा नहीं हो रही है, देन यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ। तो आदमी ना खुद को फंसाते रहता है, तो गोल भी फिजिकल रखने हैं। मान लो जैसे मेरी बेटी है और उसको SST की पढ़ाई करनी है, तो हर हफ्ते मैं और वो मिलके 3 घंटा पढ़ाई करते हैं। ओके, 3 घंटे से ज्यादा हुआ तो अप्रिशिएट करेंगे एक दूसरे को फिजिकली, इट कुड बी अ हग, इट कुड बी अ स्मॉल सेलिब्रेशन विथ कुछ मीठा खाके, है ना, नॉट नेसेसरी शुगर वाला मीठा, मैं शुगर का विरोधी हूँ, ओके, बट कुछ सेलिब्रेशन फिजिकली हो सकता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी हो सकता है, और नाराजगी भी फिजिकल होनी चाहिए। जा बोले मैं तेरे साथ ना 180 पल बात नहीं करूंगा, 3 मिनट की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ पा सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग ना मेंटल करते हैं, और मेंटल में देखो विचारों पे नियंत्रण करने वाले एकादे स्वामी विवेकानंद आ जाते हैं दोस्तों। शरीर पे अपना कंट्रोल है, अगर मैं बैठा हूं तो उठने का चॉइस मेरे पास है ना, मैं यहां बैठा हूं चेयर पे तो मैं उठ सकता हूं, बट उठूंगा नहीं, बरमूडा पहन के बैठा हूं, है ना। जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये मेरे कंट्रोल में है। जस्ट इमेजिन कि मैं अभी भगवत गीता पे बात कर रहा हूं और मैं सोचूं कि मैं भगवत गीता के बारे में नहीं सोचूंगा, तो क्या ये मेरे कंट्रोल में है, इल्ले। मन पे नियंत्रण मुश्किल है दोस्तों, इसलिए तन पे नियंत्रण लाओ, तन को एक्टिविटीज दो, तन को टारगेट दो, तन को रिवार्ड दो, तन को पनिशमेंट दो। पनिशमेंट निगेटिव वर्ड है, रिप्रीमांड अच्छा वर्ड है, बट जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो मुझे आशा है मैंने आपका, आपके सवाल का जवाब देने की अच्छी कोशिश